आज हम क्या करने वाले हैं, हम तीन स्मॉल सेटअप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जम्मू के। छोटे मोटे लोग जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनको हेल्प करेंगे ताकि उनसे लोग सामान खरीदें और उनका जो मतलब कि घर गुजारा चले अच्छे से। और स्मॉल सेटअप्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं स्मॉल बिजनेस के, इवन आई एम एंटरप्रेन्योर टू, और वो भी कर रहे हैं। तो मैं अभी जीवल जा रही हूँ, आई होप कि मुझे 3 माह पे क्यूट स्टार्टअप्स मिले जो अच्छा कर रहे हो, वेदर इज फूड ब्लॉगिंग, फर्नीचर एंड ऑल, स्पाइसीज, वेजिटेबल शॉप, रिलेटेड टू एनीथिंग बट स्मॉल स्टार्टअप, जिनको रियली नीड है ब्लॉगर की। तो उसी के लिए करूँगी। अभी मैं बक्सनगर से जा रही हूँ, पहले मैं जेवल जाऊँगी, वहाँ जाके थोड़ा सा एडमायर करूँगी, उसके बाद देखते हैं कुछ किसी की हेल्प हो पाए मेरे थ्रू तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर बींग सपोर्टिंग ऑल द टाइम, लव यू, टेक केयर, चेक करके अक्षय शर्मा की तरह। चलो वीडियो में बढ़ते आगे। मैं PVR के पास थी, एक लड़का था बहुत लंबा, लड़की का हाथ मुझे जा रहा था, हाउ क्यूट, साले मूवी से देख पा रहे हैं यार, हाथ पकड़ पकड़ जाए। मीनवाइल मी सिंगल मी राइट नाउ एट बक्शीनगर, हम जा रहे हैं जेवल करके, देखते हैं कुछ बिजनेस मिल जाए मुझे एक्सप्लोर करने के लिए छोटे मोटे, उनका मैं बनाऊंगी फिर व्लॉग 3 लोगों का सिर्फ। अगर नहीं मिले ज़्यादा तो 2 गई, बट मिलेगा तो 1 बनेगा छोटे मोटे बिजनेस वाला, देखते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि फूड वाला ना हो कि मैं खा कर आई हूँ, और मेरा बिल्कुल मन है कुछ खाने का, मतलब कि बिल्कुल 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 मन नहीं है, अत मन नहीं है, बस पहुँचने वाला कुछ देर में आ रहा है। यहाँ पे हम तेल बचाते हुए जा रहे हैं, देखो हाउ लॉयल टू शी इज टू हिज मैन, देखो डॉली मजाक था, रोड बहुत खराब है तो बैन को मना तो वहीं छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास हेलमेट एक ही है और वो हेलमेट इतना ही गरीब पड़ी है, तो शी इज ट्राइंग टू गो, वो देखिए हम लोग छोटी सी बच्ची। तो मैं अभी जेवल में हूँ जहाँ पे कठुआ के बसेस मिलती हैं, जैसे मैं नानके जाती हूँ यहीं से, तो यहाँ पे आके अब 2-3 स्मॉल स्टार्टअप को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, थोड़ा सा मैं पैनिक भी हूँ बट हो जाएगा, पेपर की पैनिक में ऐसा लग रही है मुझे। चलो गाइस रेडी करते हैं वीडियो, पुलिस वाले खड़े हैं आज यहाँ पे जेवल में, नाके वाले देखो देख रहे हो, लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, आओ स्टार्ट करते हैं। द होल मार्केट ऑफ जेवल इधर रोड पे, अभी मैं ट्राई करूँगी कि मुझे 3 अच्छे से दिखें जो अभी खरीद भी सके बंदे। हाँ मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ कि मैं किसी भी एक ब्रांड को किसी ब्रांड से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको स्ट्रीट मार्केट दिखा रही हूँ। तो कोई ब्रांड अपना अपना ना ले कि अगर मैं किसी क्या बोलते हैं सेल्समैन को दिखाऊँगी अबाउट कपड़े एंड ऑल, तो बोलेंगे वाई नॉट वी हैव इन वेव मॉल एंड पटेल बाज़ार। बस थोड़ा सा लोकल जा रही थी मैं, चलो अभी जाते हैं बातचीत करते हैं लोगों से, तो वहाँ पर अंकल मिले मुझे यहाँ पर, उनसे बात करती रुकाऊँ। पहली यहाँ पे रेडी थी अंकल जी की, जो धूप में है, आई कैन सी फर्स्ट कि इनका सामान ऑलमोस्ट नहीं बिक रहा मुझे लग रहा है, बट मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं लोकल बिजनेस को। मैं आपको बताती हूँ क्यों और कैसे, का ऑलमोस्ट सामान ख़त्म हो चुका खराब, मतलब कि यूज़ के लिए भी, एज यू कैन सी दिस बास्केट्स कैन लिटरली वर्क्स, बिना मजाक के काम आ सकती हैं, सामान पे जंग पड़ चुका है, बट उनकी एज देख के लगता है कि वो कर पाएंगे इस चीज़ को। अंकल जी बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आराम से। तो मैं चीज़ देख रही थी कि इनकी रेडी ऑलमोस्ट खाली है एंड सामान इन्होंने बाइंड अप रखा है, दैट द सोप शॉपर यू कैन सी दैट, मैं आपको दिखाती हूँ पहले फिर इसमें बताती हूँ आप लोगों को। बड़ी है साबुन वाला पड़ा है, ब्रश होल्डर पड़ा, कंगी, चाय पुनी बड़ी, स्टील बूल, ये तो मेरी बहन को चाहिए थे वैसे, मैं भी ले लूँ ये वाली चीज़ें, बड़ी वाली बास्केट चीज़ देख सकते हो। और अंकल का चेहरा, अंकल काम है, काम चल रहा है, चल रहा हो रहा है, पर काम करना। हाँ अपना ही काम करना। आपका काम है, मैं बोल रही हूँ काम हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं सामान, पैसा नहीं है, लोग नहीं खरीद रहे, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है सामान बेचने में। आप बेच रहे हो अंकल को ना थोड़ा सुनाई कम देता है मुझे लग रहा है, बट लिटरली यू कैन सी दिस थिंग एंड तुम्हें लगता है कि ये इनका चेहरा देखे कि सरवाइव कितना मुश्किल है करना।
तो तुम लोग अगर यहाँ पे आना चाहो ना तो प्लीज इनसे कुछ ना ले जाना, 10-20 रुपीस की चीज ले जाना, चाहे तुम्हें घर पे यूज ना हो कोई चक्कर नहीं, बट ले जाना, किसी का घर चल सकता है चीज से। कहाँ पे लोकेशन है? सेंट पीटर स्कूल दिख रहा है आप सबको, उसके अपोजिट यहाँ पे। अंकल अंकल यहीं पे होते हो रोज? यहीं पे होते हो ना? चलो ठीक है, ओके। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मेरे दादाजी की उम्र के लग रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बट सामान सच में इनका बिक नहीं रहा, दैट्स व्हाई जंक रखती हूँ इस चीज़ पे। बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ लेके जाऊँ इनसे थोड़ा सा, ताकि इनको अच्छा फील हो। तो पहली मैंने ट्राई किया था उन लोगों को एक्सप्लोर करने का जिनका काम नहीं चल रहा है। तो गाइस अगर तुम आओ ना, देखो सोस्तों के पिज़्ज़ा खा जाते हैं हम लोग, बर्गर खा जाते हैं, तो एक चीज़ भी ले जाओ ना, ले जाओ घर पे, दुआएं लगेंगी। चाहे ये चीज़ तुम किसी और को दे देना आगे खरीद ऐसे ही दान में, बट डू विजिट अंकल जी, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। स्माइल करना, हंसो 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 थोड़ा सा हंसो। अच्छा ये कितने का? 20 रुपए का। अच्छा ये वाला कितने का? बड़ा वाला 30 का। एक दे दो मुझे, साफ करके दे दो मेरे को, एक दे दो। हाँ मेरे को दे दो एक, ठीक है एक दे दो मुझे। हाँ जी ये वाला दे दो मुझे, ओके। हाँ मेरी बहन को चाहिए था वैसे भी, तो ये दे दो मुझे पैक करके। नहीं ये वाला जी, ये वाला चाहिए। नहीं ये वाला बड़ा वाला, तो मेरी दीदी को चाहिए था बड़ा सा, तो मैं ये ले रही हूँ उनके लिए, तो मैं दिखा दूँ उनको लेके। 30 रुपये में वो खुश हो गए हैं, देखो उनका दिन का दिहाड़ी बन गया, वो नहीं होगी उनकी। आई जस्ट वॉन्ट यार, 20-30 रुपये कुछ भी नहीं होता यार, कर दो। तुम्हारे पहले अंकल जी ये थे, उन्होंने साफ कर दिया। अंकल ये वाला, चलो मैं बैग करवा के बताती हूँ लोगों को। मैंने ले लिया, पैसे दे रहे हैं, तो इनकी भी सामने शॉप फ्रूट्स की, इनको भी देख लेना। एंड साथ में अंकल ने भी बड़ी हेल्प किया, कहते आवाज़ थोड़ी कम हो गई। अंकल जी खुश हो गई? बोनी खुश हो गई? बोनी स्माइल खुश हो ना? कोई बात नहीं, मैंने बोला सबको कि आना कुछ ना कुछ लेने आपसे, ठीक है? ठीक है ले लूँ मैं खुश हो? अब कितने? बहुत बहुत खुश हो? और नहीं बहुत खुश हो ना? कोई बात नहीं, बाय 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 बाय। तो इन्होंने भी बड़ा साथ दिया, थैंक यू अंकल, आपने समझा दिया कि वो क्या बोल रहे थे, उनको सुनाई कम देते थोड़ा सा। ये बीमार है ना? हाँ जी, पता नहीं लग रहा कौन सी बात कर। हाँ हाँ वो देख रही हूँ, काम का तो काफी मंदा चल रहा है। हाँ जी, काम है ही नहीं मार्केट में, काम है ही नहीं। अगर होगा भी ना तो लोग कहाँ स्ट्रीट्स पे लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल, बाकी अंकल जी की भी चाय की दुकान साथ में, फ्रूट शॉप वाले अंकल की भी साथ में। अंकल वो कह रहे हैं लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते स्मॉल बिजनेस को, पब्लिक इतनी क्या करे, पब्लिक इतनी होना चाहिए, बट होना तो चाहिए लेकिन कोई नहीं करता है। नहीं करता, चलो अगर मेरे से एक बंदा भी आएगा ना, मैं मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो बाय बाय अंकल, चाय पियो? नहीं नहीं अगली बार पक्का चाय पियेंगे। बाकी अंकल की चाय की शॉप यहाँ देख सकते हो, और फ्रूट वाले अंकल फ्रूट्स भी अंकल से ले लेना कि सब ने। तो गाइस मैं आगे जा रही हूँ, मैंने खरीद लिया ये, यू कैन सी। तो आगे जाते हैं देखते हैं, ओके ओके आगे जाके देखते हैं। यहाँ पहुँची हूँ तो देखते हैं यहाँ पे कोई स्मॉल बिजनेस मिल रहा है हमको। स्मॉल बिजनेस रियली नीड्स आर सपोर्ट। ये आंटी से मेरी बड़ी ज़्यादा दुश्मनी है भरावा, ये बड़ा कुछ बोलती रहती है, बेफालतू बोलते भी ना मजाक के, उस दिन खाने पड़ गई मेरे को ऐसे। तो अभी हम जी वाले साइड जाएंगे, मैंने ये उठाया हुआ हाथ में अपने समझे। ओके मोची अंकल मिल गए, ओके जाने दो यार, पास आके फोन मारते हैं। मोची अंकल मिल ले, मोची अंकल मिल ले। अंकल कैसे हो? ठीक हो? पता है आजकल आप लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, जब चप्पल खराब होती है इधर ही होते हैं। अंकल कितना टाइम हो गया काम करते हो यहाँ पे? हमें हाँ 40-45 साल में पैदा भी नहीं हुई होंगी, ओके। तो मतलब कि आप इधर ही होते हो, टाइम क्या होता है आपका इधर होने का? सुबह 8 बजे और जाने का 6-7। अंकल आपको लगता है आजकल लोग ठीक करवाते हैं नॉर्मल ऐसे मोचियों से? गरीब की बात नहीं है, काम चल जाता है आपका? थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि चलो कोई ना कोई जिसको चाहिए होगी हेल्प, बट टाइम पे मिलते नहीं ना, ढूंढते हैं कहाँ ठिकाना नहीं ना होता किसी का प्रॉपर। आप यही होते हो? बारिश में नहीं होते। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप मुझे इधर मिल जाओगे, मैं अपनी 5 चप्पलें ले आती, पक्का ले आती। अभी क्या कर रहे हो आप? बस थोड़ा काम कर रहे हैं, पॉलिश वगैरह कर रहे हो, सुंदर बना रहे हो। गाइस सच में कह रही हूँ, बहुत मेहनत करते हैं लोग गर्मी में,
और हम आई स्वेयर मेरी चप्पल को टूटी हुई है और मैं ढूंढती हूँ मोची कभी कभी, कोई हमें कॉबलर मिल जाए, फटो कॉबलर मिल जाए। एक दिखाया आपको मैंने कि बास्टुल अंकल, एक को चप्पल वाला दिखाया, बट चप्पल मैं खरीद नहीं सकती और ठीक कराने के लिए मैं लाई नहीं, मैं पक्का करवा लेती। बाकी यहाँ पर क्या जीवन में एक्सप्लोर करने वाला, क्या है एक्सप्लोर करने वाला, ढूंढना पड़ेगा, मैं बताती हूँ आपको। फिर तीन चीज़ें हो जाएंगी हमारी, उसके बाद लाचेर में थक गए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो गाइज हमने दो चीज़ें एक्सप्लोर करी और अब हमारा लास्ट एक्सप्लोर किस चीज़ पे होगा, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। मन करे मैं इसकी टोपी बना के पहन लूँ अपने सर पे, गर्मी लग रही है मुझे इतना ज़्यादा, बट इससे लोग ऐसे घूर रहे हैं मेरे को भरावा। ओके, जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है, खाने का सोच रही हूँ अभी नहीं करना खाने वाने का, बट स्टार्टअप 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 आओ। और ऐसा कुछ नहीं है कि यार तुम लोग हेल्प आउट कर सकते हो अगर तुम चाहो, प्लीज़ कर दिया करो, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, मैं उस साइड जाके करती हूँ क्योंकि मैं जब घर भी मैं निकल जाऊँगी डायरेक्टली वहाँ से। आई मैं रोड क्रॉस कर गाइस,